जस्ट थ्री वर्ड्स आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। जहां पर मैं बात कर रहा हूँ SSC की, आपके मन में क्या है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की अपॉर्चुनिटी निकली है SSC CPO की तरफ से, वन ऑफ माय फेवरेट वैकेंसी है जो कि डायरेक्टली दिल्ली पुलिस SI लेवल पे आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करते हैं। बेसिकली इस एग्जाम के अंदर आपका CAPF आपका सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उस सब में डायरेक्टली हायरिंग आपकी निकलती है। SI ASI सभी लेवल पे आपकी जॉइनिंग निकलती है, क्योंकि यहाँ पे जो जॉब्स होती हैं वो ग्रुप बी और ग्रुप सी से बिलोंग करती हैं। मैं थोड़ा सा एलाबोरेट कर देता हूँ कौन कौन से वो डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपकी जॉइनिंग हो सकती है। CISF आपका CRPF हो गया, BSF हो गया, आपका ITBP हो गया, आपका SSP हो गया और आपका दिल्ली पुलिस हो गया SI लेवल पे। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ज्वाइनिंग कर सकते हैं और इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे इस नोटिफिकेशन की ऑफिशियल डेट्स का कि कब आपको अप्लाई करना है, कब तक आपके एग्जाम होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, देन वी विल डिस्कस कि एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। एग्जाम के पैटर्न से आपको बहुत अच्छे से आइडिया मिल जाएगा आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, एज वेल एज हम एग्जाम के सिलेबस के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे और इन दी लास्ट वी विल डिस्कस कि एग्जाम क्लियर कैसे होगा। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और जब आप वीडियो को लास्ट तक देखें अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So, welcome back to PSU and Government Job Vacancy Reject. मैं सचिन चौहान आपके लिए लेके आ चुका हूँ SSC CPO Recruitment 2022 की अपडेट। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे सारी चीजों को डिटेल डिस्कस करते हैं जिससे आपको पता चले ऑन दिस चैनल वी आर द प्रोवाइडिंग 100% रियल जॉब्स। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की, 4300 वैकेंसी है तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको जैसे एक सिंगल वैकेंसी यहाँ पे चाहिए, एक सिंगल जॉब आपको चाहिए तो यू कैन इजीली ग्रैब इट। देन इंपॉर्टेंट डेट्स में एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 10th अगस्त से, तो मतलब अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिए। लास्ट डेट 30 अगस्त है तो इनफ टाइम अभी भी पेंडिंग है, पहले लास्ट डेट का वेट प्लीज मत किया करो। गवर्नमेंट वेबसाइट है, हो सकता है लास्ट में स्लो डाउन हो जाए, आपको कोई डिफिकल्टी फेस हो, मिंट चल रहा है आपका तो डेफिनेटली इसको अप्लाई करें। एज लिमिट आपकी 20 से 25 है, मैं जनरल कैंडिडेट की बता रहा हूँ, अगर हम SC ST या शेड्यूल कास्ट में किसी भी डिफरेंट कैटेगरी की बात करें तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डिटेल में इस चीज को एलाबोरेट किया गया है। नाउ कम टू द पार्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो इसको लेकर ना काफी पर्सन को डाउट होते हैं, वो भी चीज मैं क्लियर कर देता हूँ। ये आपकी ग्रेजुएशन बेस्ड जॉब है तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तो अप्लाई करके ये लास्ट ईयर में आप हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, लास्ट ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लीट वाले अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर 12th ये जॉब नहीं है, आफ्टर 12th इसकी एक जॉब होती है वो भी SSC की होती है पर वो CHSL होती है, ये आपकी SSC की CPO है। तो देखो SSC एक डिपार्टमेंट है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम के एग्जाम निकालता है, ये जो आपका है वो CPO और ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है। नाउ कम टू द पार्ट सिलेक्शन प्रोसीजर और आपके एग्जाम पैटर्न। बेसिकली यहाँ पे आपके दो एग्जाम होते हैं, Tier 1 Tier 2 जिनको हम कहते हैं, और उसके बाद ये CPO लेवल पे है तो यहाँ पे आपका फिजिकल वाला पार्ट बहुत स्ट्रॉन्गली होगा। मतलब मैं तीन पार्ट यहाँ पे कंसीडर कर सकता हूँ, दो एग्जाम का एक फिजिकल का। तो सबसे पहले हम पहले एग्जाम की बात करते हैं जिसको प्री लेवल का एग्जाम बोला जाता है। यहाँ पे आपके चार सब्जेक्ट होते हैं, चार सब्जेक्ट से आपसे 200 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, 200 नंबर का ही आपका एग्जाम होता है और आपको मिनिमम कट ऑफ क्लियर करनी है पहला पॉइंट, और दूसरा आपको मैक्सिमम स्कोर करना है जिससे फाइनल मेरिट लिस्ट जब लगे तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाए। मैं यहाँ पे स्लाइड इस चीज को थोड़ा सा इलाबरेट करना चाहूंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कट ऑफ एंड मेरिट लिस्ट। देखिए जैसे 200 में से आपने 150 स्कोर किया, 140 कट ऑफ थी तो आप Tier 2 में एंट्री कर गए क्योंकि 140 से ज्यादा स्कोर है। और अगर हम फाइनल यहाँ पे एग्जाम की बात करें, सारे एग्जाम कंप्लीट हो गए और आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है, उसमें बोला जाता है कि 600 में से 550 वाले को दिल्ली पुलिस SI में जॉब मिलेगी और जो नीचे के स्कोर हैं उनको जॉब नहीं मिल पाएगी। स्कोर उन्होंने अच्छा करा है, दोनों कट ऑफ उन्होंने क्लियर करी है पर 550 उनका टोटल स्कोर नहीं हो पाया टीयर वन एंड टीयर टू को मिला के, तो उनको जॉब नहीं मिल पाएगी। काफी सारे लोगों को कट ऑफ देखते हैं, बोलते हैं जस्ट इतना ही तो स्कोर करना है, वी कैन इजीली डू इट और हमें जॉब मिल जाएगी,
रियलिटी डिफरेंट है, रियलिटी आपकी मेरिट लिस्ट है, आपकी कट ऑफ नहीं है। समझदार को इशारा काफी आपको मिल चुका होगा। तो बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करते हैं चार कौन से सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट आपका जनरल इंटेलिजेंस का रहेगा, जिसमें रीजनिंग वाले पार्ट से क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे। देन आपका जीके और करंट अफेयर्स का रहेगा, लास्ट एक साल का करंट अफेयर्स मोर देन इनफ आपके होते हैं। देन आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, जहाँ पे आपसे मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे। देन आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा, जहाँ पे इंग्लिश से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे। नाउ कंप्यूटर पार्ट की सिलेबस क्या होने वाला है, तो सिलेबस को डिटेल के अंदर मैंने एलाबोरेट किया है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, यू कैन जॉइन अवर टेलीग्राम लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। नाउ कम टू द सेकंड एग्जाम टीए 2 जिसको हम बोलते हैं। तो जैसे आपका एग्जाम 1 क्लियर होता है, आप पेपर 2 पे तो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, पर बीच में रखा जाएगा आपका फिजिकल टेस्ट जिसको आपको क्लियर करना है। तो टीयर 1 कंप्लीट हो गया, नाउ कम टू द पार्ट फिजिकल। फिजिकल के अंदर मैं आपको बहुत क्लियरली बता देता हूँ, उसके अंदर हाइट वाला पार्ट भी है। अगर मैं मेल की हाइट की बात करूं, 170 सेंटीमीटर है फॉर जनरल कैंडिडेट, एससी और एसटी की 162.5 सेंटीमीटर है। सभी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको इजी अवेलेबल है, फिर भी मैं स्लाइटली आपको बता रहा हूँ जिससे आपका माइंड सेट क्लियर हो। और अगर फीमेल की बात करूं, 157 सेंटीमीटर है फॉर जनरल कैंडिडेट, एससी और एसटी में 154 सेंटीमीटर पे आप अप्लाई कर सकते हैं। देन आपका जस्ट वाला पार्ट आएगा जो कि मेल कैंडिडेट के लिए इंप्लीमेंट रहता है, 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए जब आप इनहेल और एक्सहेल दोनों करें। देन आप एससी एसटी की बात करें, 77 सेंटीमीटर और 82 सेंटीमीटर यहाँ पे दी गई है। तो ये आप इजी अपने घर पे भी चेक कर सकते हैं, एक बार सांस निकाल के चेस्ट को आप काउंट करें और एक बार सांस लेने के बाद इनहेल करने के बाद भी काउंट करें कि आपका चेस्ट का साइज कितना है। देन आपको यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसको पीईटी बोला जाता है। तो यहाँ पे आपकी रनिंग होती है, लॉन्ग जंप होती है और हाई जंप होती है, तीन पैरामीटर्स पे आपको स्ट्रेस को क्लियर करना होता है। फॉर मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आपको 1600 किलोमीटर कंप्लीट करने होते हैं 6.5 मिनट्स के अंदर, लॉन्ग जंप रहती है 3.65 मीटर जिसमें आपको तीन चांस मिलते हैं, सेम हाई जंप रहती है 1.2 मीटर्स की जिसमें अगेन आपको तीन चांस मिलते हैं। और आपके यहाँ पे शॉर्ट पुट रहता है 16 एलबीएस का, 4.5 मीटर आपको कंप्लीट करना होता है विद इन 3 चांस। तो मुझे लगता है ये जो क्राइटेरिया है ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हो तो यस यू कैन इजीली अचीव दिस पार्ट। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी क्राइटेरिया रखा गया है जो कि काफी कम है, आपको 100 मीटर रेस कंप्लीट करनी है 16 सेकंड में, 800 मीटर रेस कंप्लीट करनी है जस्ट 4 मिनट्स के अंदर, लॉन्ग जंप आपको 2.7 मीटर करनी है जिसमें आपको अगेन तीन चांस मिलेंगे, और हाई जंप भी आपको 0.9 मीटर कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे जितने भी टास्क है वो सारे आपके मेल वाले ही है, पर जिसका क्राइटेरिया कम रखा गया है अकॉर्डिंग टू फीमेल। तो मुझे लगता है ये एक फेयर पार्ट है और डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए अगर आप मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट है दोनों का ही। देन उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पार्ट रहेगा, और देन फाइनली आपका रहेगा टीयर 2। टीयर 2 यहाँ पे डेडिकेटली होता है इंग्लिश के लिए। तो अगर आप एसएससी सीपीओ क्लियर करना चाहते हैं तो अपना माइंडसेट क्लियर कर लीजिए, आपका इंग्लिश पे अच्छा कंट्रोल होना चाहिए, इंग्लिश पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो टीयर 2 के अंदर आपसे 200 क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे, 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, सही क्वेश्चन करने पे आपको 1 स्कोर होगा और गलत स्कोर करने पे 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी जो टीयर 2 और टीयर 1 दोनों ही एग्जाम में होने वाली है। तो 200 + 200 = 400 में से आप जितना ज्यादा स्कोर करोगे उतने मैक्सिमम चांसेस है कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। अब किस टाइप के क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम और एग्जैक्टली क्या सिलेबस है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल के टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, आपको कुछ पे नहीं करना। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम यहाँ पे कुछ चार्ज आपसे नहीं लेते, हर चीज यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो विदाउट वेस्ट से जब टाइम टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में पीडीएफ नोटिफिकेशन कलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करें उस हर एक पर्सन के साथ जो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। सो मैं सचिन चौहान आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद।